दोस्तों, मैं हूं कामली झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और अभी हम आपको लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां हम आपको मिलवाने वाले हैं बिग बॉस के स्टार स्वामी ओम जी को। यूं तो हमेशा विवादास्पद बयान के कारण हमेशा चर्चा में बने रहने वाले स्वामी ओम जी आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो स्वामी ओम जी, स्वागत है आपका चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज जो यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, देखिए मुख्य रूप से आपको मालूम है कि राम मंदिर का केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें भी हम दोनों पेटिशनर हैं। और अभी हम गए हुए थे प्रयागराज में, वहाँ पे सारे साधु समाज को हमने एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद 28 जनवरी को हमने वहाँ पर ये बयान दिया कि 4 मार्च को वहाँ से हमारे जो जितने भी नागा साधु हैं करोड़ों की तादाद में, वो सारे के सारे मिल करके मेरे साथ में एक जत्था जाएगा राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या, और एक जत्था कूच करेगा मुकेश जैन के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्योंकि हमको मालूम है कि क्योंकि रंजन गोगोई ने हमको ये कह दिया कि स्वामी जी हम तो हिंदुओं के खिलाफ ही फैसला देते रहे हैं और देते रहेंगे, और सबरीमला मंदिर पे भी हम हिंदुओं के खिलाफ फैसला हम देंगे और राम मंदिर पे भी देंगे। स्वामी ओम जी, आपको नहीं लगता कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है? बीजेपी सरकार केवल इसको एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में कार्य कर रही है? देखिए, मैं यहाँ पर बीजेपी सरकार के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर न्याय के लिए आया हूँ। 100 करोड़ हिंदुओं के साथ में सुप्रीम कोर्ट अन्याय कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस वक्त हमने ये तोड़ा था ढांचा, उस वक्त भी हमने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन नहीं ली थी, हमने सरकार से परमिशन नहीं ली थी उस वक्त। अभी आप लोगों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने या शिवसेना ने उसको तोड़ा था। सच्चाई ये है कि मेरे ओमजी हिंदू सेना के 5,000 आत्मघाती दस्ते के लोग गए थे, मैं खुद था, और हनुमानगढ़ी से मैंने अपने 5 आत्मघाती लड़कों को हैंड ग्रेनेड के साथ में अंदर हमने भेजा था, और अंदर से हमने ब्लास्ट किया था, बारे में मेरे खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट में मेरे खिलाफ केस भी चला था, और हम उसमें बरी भी हुए थे। तो हमने उस वक्त भी हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की थी, और अभी भी हम करने जा रहे हैं। 4 मार्च को जो हमारा लाखों की तादाद में हमारे साधु समाज चलेंगे, उसमें हमारे सारे सैनिक होंगे, ओमजी हिंदू सेना के जितने भी सैनिक हैं सारे शस्त्रधारी हैं। राम मंदिर बनने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, राम मंदिर के बनने में देरी का सबसे बड़ा कारण है हिंदुओं की में एकता का नहीं होना। आज यदि आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा कार्टून अल्लाह का बना दिया तो पूरे वर्ल्ड में कत्लेआम हो गया, क्योंकि मुस्लिम भाइयों में एकता थी, हिंदुओं में एकता नहीं है। इसके वजह से इन लोगों को ये लगता है कि हिंदुओं के साथ जितना मर्जी अन्याय कर दो, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन वो एकता अभी हम स्थापित करके आए हैं। और मेरे बयान को आप ये देखिए कि मेरे बयान को अखाड़ा परिषद ने समर्थन दिया है, जो 13 अखाड़ा हैं वो सारे के सारे मेरे साथ में 4 मार्च को वहाँ से मार्च करेंगे, और हजारों क्रेन लेकर के हम वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ जो पत्थर कटे हुए हैं वो सारे पत्थर को उठवा करके क्रेन से हम वहाँ पर बनवाना शुरू करेंगे, और राम मंदिर इस बार हर हालत में हम बना करके रहेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि कोई ताकत रोकने की कोशिश करेगी तो हम उसकी खात्मा करेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण स्वामी ओम जी द्वारा। अब हम बात करेंगे मुकेश जी, दारा सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सर, मेरा सवाल है आपसे, जैसा कि अभी स्वामी ओम जी ने कहा कि आप इनकी बातों से सहमत हैं। स्वामी जी की बात तो सत्य होती है। सबरीमाला मंदिर वाले मामले में भी जब इन्होंने दीपक मिश्रा को कहा था कि तुम भगवान अयप्पा के प्रति इस तरह का जो गलत रवैया हो मत अपनाओ, अन्यथा पढ़ ले आएगा, वहाँ पढ़ ले आएगा, और वही हुआ। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी तो ऐसे बकवास कर रहे हैं, किंतु वहाँ पढ़ ले आया, और केरल में वहाँ पढ़ ले आया, ये जो दीपक मिश्रा है 25,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, ये 25,000 रुपया दिखा रहा है। अरे जितना नुकसान हुआ तो मैं अपना घर बार बेच के भी उस नुकसान की भरपाई तो मैं कर, मैं तो सरकार से कहता हूँ इसने इतना बड़ा नुकसान सरकार को पहुंचा है, 25,000 करोड़ नुकसान पहुंचा, इसका तो नंगा करके इसकी पिटाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भ्रमित करने वाला बयान दे रहे हैं? ये तो आप देख लीजिए, 1 अगस्त का बयान देख लीजिए, सभी चैनल पे आया है कि 1 अगस्त को स्वामी जी ने कहा था कि दीपक मिश्रा, मुझे भगवान अयप्पा ने दर्शन देकर कहा है कि सबरीमला मलाई मल्ला मामले में आप भगवान अयप्पा को रुकने के, अन्यथा वहाँ पर जाएगा। वो सम्मान दिया जा रहा है जो पुरुषों की है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है?
देखिए स्त्रियां तो किसी भी रसोला अवस्था में किसी भी घर मंदिर में रसोई घर में कहीं भी घुसने के लिए अपात्र ठहराई गई हैं। और ये हमारा सोचे हैं, ये हमारा धार्मिक मामला है। धार्मिक मामले में सुप्रीम कोर्ट को नोटिस था, मामला तो सत्य था, जिंदा जला दी जाती थी। देखिए वो अंग्रेजों का टाइम था, जिंदा नहीं जलाया जाता। आज भी जो भी सती होती थी वो अपनी इच्छा से पति के साथ मरण को कवरण करती थी। और ये जो था गरुड़ पुराण उसमें उसका बड़ा महात्मा दिखा गया है, ये तो बहुत बड़ा महात्मा दिया गया उसका कि सती होने वाली स्त्री इस लोक में भी और उस लोक में भी दोनों में पति के पति लोक को प्रवेश करती है। हम बात करते हैं राम मंदिर पर, तो राम मंदिर पे अभी जैसा कि स्वामी ओम जी ने कहा कि 4 मार्च को एक यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा नहीं कूच कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं वो, जिसमें एक मोर्चा आप संभालने वाले हैं, एक अयोध्या की ओर स्वामी ओम जी जा रहे हैं, दिल्ली की ओर आपको संभालने। तो बिल्कुल बिल्कुल ये एक बड़ा कूच हो रहा है और ये कूच ठीक उसी प्रकार से होगा जैसा कि सन 1947 में जब पाकिस्तान से हिंदुओं को मार मार के काट के फेंका जा रहा था, तब गढ़मुक्तेश्वर का मेला था, उस मेले ने कूच किया और रास्ते में जितनी मस्जिदें थी उन सब में आग लगा दी, जितने मुस्लिम थे उनको सबको मार डाला और जितनी उनकी औरतें थी आज भी मतलब वो महिलाएं हैं उनको सबको ले गए, किसी को गंगा देवी नाम दिया गया, किसी को जमुना देवी, सब हमारे जाट भाई और गुजर भाई उन्होंने उनको घर में रखा। तो ये वही कूच हो रहा है वहाँ पे न्याय के लिए और अन्याय के खिलाफ। अब ये कूच पहले पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ था, ये वो जो गढ़मुक्तेश्वर चला था, अब जो ये प्रयागराज के कुंभ मेले से कूच चलेगा वो अन्याय न्यायाधीशों के जो संविधान में यकीन नहीं रखते हैं, जो अपने सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 में विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए ये सब राम मंदिर में विश्वास नहीं रखते, ये तो राम विरोधी, ये गोमांस पक्षी लोग बैठे हुए अंदर और ये चुन चुन के हिंदू द्रोही लोगों को अंदर बैठाया गया। अभी जो कुंभ में जो धर्म संसद का गठन किया गया था बड़े ही जोर शोर से राम मंदिर बनवाने को लेकर, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी जो की हमारा समर्थन किया है, तो उसमें क्या निष्कर्ष क्या निकल? देखिए सपने उन्होंने जो हमने 28 तारीख को बयान दिया था, अभी इसीलिए 28 तारीख आई कुछ होगा, उन्होंने हमारे कुछ पर ठप्पा लगा दिया है। अब सभी साधु संत 13 अखाड़े परिषद अयोध्या की तरफ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूछ कर रहे हैं और इन जजों को रास्ते में हाई कोर्ट भी पड़ेगा, हाई कोर्ट के जजों घर भी पड़ेंगे, उन सबको इनका सबक सिखाया जाएगा कि ऐसे राम भगवान राम को हम टाट में नहीं रहने देंगे, तुम ठाट करोगे भगवान राम टाट में रहेंगे, हमारे भगवान हमारे आराध्य है, इनको तो इसका दंड देना जरूरी है, इनको तो जैसे भगवान लक्ष्मण जी ने सुपरेखा की नाक काटी थी ऐसे इन जजों की नाक काटना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अन्याय है, अन्याय को दमन करना हर हिंदू का पहला कर्तव्य है। मनुस्मृति में लिखा धर्मो रक्षति रक्षते धर्मो हति हन्ति, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी और अधर्म का नाश करना हर हिंदू का पहला कर्तव्य है। अधर्म भी बैठे हुए हैं जो संविधान को नहीं मानते, जजों की नियुक्ति खुद पर खुद कर रहे हैं जबकि संविधान का अनुच्छेद 124 है, ये जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान की अवज्ञा कर रहे हैं, हाथ तो कर लेंगे संविधान पर, मैं इसका सत्यनिष्ठा पालन करूंगा और चलाएंगे मनमर्जी। देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देशवासियों से अपील कर चुके हैं हम लोग, वो पूरे इन अन्यायी जजों का विनाश करने के लिए और इन इस अधर्मियों का विनाश करने के लिए 4 मार्च को कूच करेगा हमारे साथ। तो देखा आपने, ये थे मुकेश जैन जी जो कि दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि हमारे जो आराध्य रामलला वो टाट में और तुम्हें हम ठाट नहीं करने देंगे और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये अवश्य बंद हो। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला, न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ, थैंक यू। बहुत अच्छा।